ट्राइकोडर्मा कल्चर कृषि विभाग की प्रयोगशालाओं में बनाया जा रहा है। इसे बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 30 ग्राम मोलेसिस यानी गुड़ की लपटी और 2.5 ग्राम यीस्ट एक्सट्रैक्ट के हिसाब से मिलाकर घोल तैयार करते हैं। इस घोल को 1000 ml के फ्लास्क में 600 ml तक भरकर कॉटन प्लग से बंद कर 1 घंटे तक ऑटोक्लेव में रखते हैं। इसके बाद इनको यूवी लाइट के चैम्बर में रखते हैं और इसके पश्चात इनका इनोकुलेशन करते हैं। इन फ्लास्क में 12 से 15 दिन में ट्राइकोडर्मा फफूंद की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। 15 दिन बाद इस फफूंद युक्त घोल को अच्छी तरह हिलाकर 2 गुने टेलकम पाउडर में मिला लिया जाता है। पाउडर सूखने के बाद इसे छानकर पैक कर लिया जाता है। ट्राइकोडर्मा पाउडर से बीज उपचार, जड़ उपचार और भूमि उपचार किया जा सकता है। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति किलो बीज की दर से बीज में अच्छी तरह मिलाकर उपचारित करें। जड़ों को उपचारित करने के लिए 5 लीटर पानी में 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें और पौधों की जड़ों को 30 मिनट तक इस घोल में डुबोकर खेत में पौध रोपित करें। घोल की शेष मात्रा खेत की मिट्टी में मिला दें। मृदा उपचार के लिए आखिरी जुताई से पहले 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा को 100 किलो गोबर की खाद या कंपोस्ट में मिलाकर बोरी से ढक दें। इस पर पानी छिड़कते रहें और 10 से 15 दिन बाद खेत की मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। ट्राइकोडर्मा कल्चर और ट्राइकोग्रामा कार्ड राज्य में 8 जगह उपलब्ध हैं। किसान भाई स्टेट बायो कंट्रोल प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर और IPM प्रयोगशाला अजमेर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भरतपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा से ये जैविक कारक अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को कीट और बीमारियों से बचाने के लिए इन जैविक साधनों का उपयोग करें और पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अधिक उत्पादन लेकर अपनी खुशहाली बढ़ा सकते हैं।